स्टेज पर तशरीफ फरमा। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जिम्मेदार और मोहल्ले के जिम्मेदार और मेरे सामने तशरीफ फरमा मेरे मोहतरम भाइयों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, दोस्तों और मेरी प्यारी माँ और बहनों, हर साल इंडिपेंडेंस डे के मौके पर मुसलमानों ने अपने ऊपर फर्ज कर लिया है कि हम वतन से मोहब्बत करते हैं, हम देश प्रेमी हैं। ये साबित करना मुसलमानों ने अपने ऊपर फर्ज कर लिया। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के इस स्टेज तले मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें वतन की मोहब्बत की सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। सफाई वो लोग देंगे जो आजादी के वक्त अंग्रेजों को माफीनामा लिखा था। सफाई वो लोग देंगे जो अंग्रेजों की दलाली करते थे। सफाई वो लोग देंगे जो अंग्रेजों के तलवे छाट छाट कर उनके जूते साफ करते थे। वो सावर करके छेले, सफाई उन्हें देने की जरूरत है, सफाई हमें देने की जरूरत नहीं है। हमारे वतन की मोहब्बत की मिसाल तो बहादुर शाह जफर है, जिनको अंग्रेजों ने जब कैद किया, कई दिनों तक भूखा प्यासा रखा, कई दिनों तक भूखा प्यासा रखने के बाद जब उनको नाश्ते में एक कबक में नाश्ता पेश किया गया, बहादुर शाह जफर नाबीने थे, देख नहीं सकते थे। जब उस नाश्ते के तवक पर अपना हाथ रखकर उन्होंने देखा तो वो नाश्ते के जगह पर उनके दो बच्चों के कटे हुए सर थे। बहादुर शाह जफर के आंखों से एक कतरा आंसू तक नहीं आया। उस वक्त का अंग्रेज सेवक ने चीख कर कहा, अरे बहादुर शाह जफर, मैंने मेरी पूरी जिंदगी में तेरे जैसा जालिम बाप नहीं देखा कि अपने बच्चों के कटे हुए सरों को देखकर भी जिसके जिस्म में जुंबिश तक नहीं आई, जिसकी आंखों में एक कतरा आंसू तक नहीं आया, तो कैसा जालिम बाप है। सुनो ऐ मुल्क के गद्दारों, आरएसएस बजरंगदल सावरकर के छेड़ो सुनो। बहादुर शाह जफर का तारीखी जुमला क्या था? बहादुर शाह जफर ने उस अंग्रेज जेलर को क्या जवाब दिया था? बहादुर शाह जफर ने कहा कि अगर मैं मेरे बच्चों के कटे हुए सरों को देखकर कमजोर पड़ गया तो मेरे मुल्क को आजाद दिलाने के लिए कौन लड़ेगा? अरे अंग्रेज कुत्तों, इस मुल्क को तुम्हारे चुंगल से आजाद दिलाने के लिए कौन लड़ेगा? यह था बहादुर शाह जफर का तारीखी जुमला। हमारी मोहब्बत की मिसाल तो वो बहादुर शाह जफर है। हमारी मोहब्बत की, वतन की मोहब्बत की मिसाल तो शहीद मिलत टिप्पू सुल्तान है, जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपने बच्चों को भी रखा था, जिन्होंने हमें और हमारी आने वाली नस्लों तक ये पैगाम देकर गए कि गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की 1 दिन की जिंदगी बेहतर है। कभी भी जुल्म के सामने घुटने नहीं टेकना है, बातिल के सामने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। कॉम्प्रोमाइज तुम्हारे डीएनए में नहीं है। ये पैगाम देने वाले और शेर की 1 दिन की जिंदगी जीने का पैगाम देकर शहादत का जाम पेश करने वाले शहीद मिलत टिप्पू सुल्तान इस वतन की मोहब्बत की मिसाल हमारे लिए है। 1 दिन की जिंदगी जीने का पैगाम देकर शहादत का जाम पेश करने वाले शहीद मिलत टिप्पू सुल्तान इस वतन की मोहब्बत की मिसाल हमारे लिए है। भाइयों, आज मुल्क के हालात बहुत खतरनाक चल रहे हैं। हम आजादी का जश्न मना रहे हैं। मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या ये आजाद मुल्क में हमारी औरतें, उनकी इज्जत और आबरू महफूज है? क्या ये आजाद मुल्क में हमारे उलमा महफूज है? क्या ये आजाद मुल्क में हमारी मसाजिद महफूज है? क्या ये आजाद मुल्क में हमारी चर्चें महफूज है?
क्या हमारे दलित भाई महफूज है, क्या हमारे क्रिश्चियन भाई महफूज है? अगर महफूज नहीं है तो ये कैसी आजादी है? हर साल हम जश्न मनाकर तारीख बोलते हैं, तारीख सुनते हैं, तारीख सुनाते हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया तारीख को सुनाने और सुनने के लिए वजूद में नहीं आई है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया तारीख को दोहराने के लिए वजूद में आई है। जिस तरह हमारे आबा अजदाद ने फिरंगियों से लड़कर मुल्क आजाद करके तारीख रखम किया है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया बताती है कि आज हमें भी उनके छेलों से, संगियों से लड़कर फिर से इस मुल्क को फैसिज्म से आजाद कराना है। एक हम अभी तक समझ रहे थे कि फैसिज्म सिर्फ आरएसएस में है, फैसिज्म बीजेपी में है, फैसिज्म मोदी और योगी के अंदर है। जब ट्रेन का हादसा हमने देखा कि एक आरपीएफ का पुलिस ऑफिसर पूरे होश हवास के साथ मुसलमानों को टारगेट करके, उनके लिबास को टारगेट करके, उनकी दाढ़ी को टारगेट करके, उनके नाम को टारगेट करके उनको गोली मारकर उनको शहीद करता है और कहता है कि इस मुल्क में रहना होगा तो मोदी और योगी को वोट देना होगा। उनको शहीद करता है और कहता है कि इस मुल्क में रहना होगा तो मोदी और योगी को वोट देना होगा। तो समझ लो कि फैसिज्म आज पुलिस डिपार्टमेंट के कई लोगों के अंदर भी मौजूद है। और उस हादसे के बाद ये गोदी मीडिया, जिनको मुसलमानों के घरों में एक लीची के पेड़ से भी खौफ होता है, वो गोदी मीडिया कहती है कि वो पागल था, वो मेंटल था। अगर पागल था तो उसे पागल खाने में भर्ती करना चाहिए था। पागलों को कब से पुलिस में भर्ती हो रही है? पागलों की भर्ती कब से पुलिस में होना शुरू हो गया? तो जब तक हम अपनी तारीख को नहीं दोहराएंगे, हम ऐसे फैसिज्म के पागल कुत्तों को जवाब नहीं देंगे जो मॉब लिंचिंग के जरिए हमारे नौजवानों को कभी हलाल के नाम पर, कभी अजान के नाम पर, कभी लव जिहाद के नाम पर, कभी गाय कशी के नाम पर उनकी लिंचिंग करते हैं। ऐसे वक्त में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आपको पैगाम देती है कि आप डरे नहीं, खौफ पाए नहीं, आप उनके सामने गिड़गिड़ाना नहीं, बल्कि आप उनको जवाब देना है। और जवाब देने का अधिकार हमारा इस्लाम भी देता है और इस मुल्क का संविधान भी देता है कि अगर कोई आपको मारने आ रहा है तो आपको मार खाने की जरूरत नहीं, बल्कि आप अपने डिफेंस में उसके साथ लड़ सकते हैं। तो खामखा हमें हाथ जोड़कर माफी मांगने की, गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, हम जवाब देने वाले बनना है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इसके पैगाम आपको देती है। मणिपुर पिछले 3 महीनों से चल रहा है। मोदी जी मन की बात कर रहे हैं मगर मणिपुर की बात नहीं कर रहे। मोदी जी मन की बात कर रहे हैं मगर हरियाणा की बात नहीं हो रही है। मोदी जी मन की बात कर रहे हैं मगर वो 3 बेकसूर मुसलमान जो ट्रेन के हादसे में मारे गए पुलिस की गोली से, और एक आदिवासी कांस्टेबल जो पुलिस की गोली से शहीद हो गया, उनके लिए मोदी की मन की बात नहीं है, तो समझ लो कि मोदी के मन में भी फैसिज्म भरा हुआ है। भाइयों, फैसिज्म एक कैंसर है जो हमारे मुल्क को खोखला कर रहा है, हमारे मुल्क को तोड़ रहा है, हमारे मुल्क को खत्म कर रहा है, यहाँ के गंगा जमुना तहजीब को मिटा रहा है, यहाँ के हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खत्म कर रहा है। हमें इस कैंसर से लड़ने की जरूरत है, हमें इस कैंसर को खत्म करने की जरूरत है। अगर ये कैंसर को हम खत्म नहीं करेंगे, ये फैसिज्म को हम खत्म नहीं करेंगे, तो ये फैसिज्म हमारे मुल्क को खत्म कर देगा। तो अगर मुल्क को बचाना है तो सिर्फ बहादुर शाह जफर जैसे आजादी के मुजाहिदीन, हजरत शहीद मिल्लत टीपू सुल्तान जैसे आजादी के मुजाहिदीन की तारीख सुनना और सुनाना नहीं है, बल्कि उनकी तारीख को दोहराना है। और उनकी तारीख को दोहराकर आज के मुल्क में फैसिज्म का कैंसर फैल रहा है, उस कैंसर को खत्म करना है। यही सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का पैगाम है। तो इसी पैगाम के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं।
और आपसे ये उम्मीद करता हूं कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का जो विजन है, जो मकसद है, उस मकसद में आप लोग हर वक्त सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का साथ देंगे। बस इतनी बात कहते हुए एक शेर के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। हर सिमट मचलती किरणों ने अब शून्य शब्दम तोड़ दिया, अब जाग उठे हैं दीवाने दुनिया को जगा कर दम लेंगे, अब जाग उठे हैं दीवाने दुनिया को जगा कर दम लेंगे। फिरौन बने जो फिरते हैं ढाते हैं सितम कमजोरों पर, उन सरकश जालिम फैशिस्ट कुत्तों को कदमों में छुपा कर दम लेंगे। ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं। ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं। या बस में जहां महकाएंगे या खून में नहा कर दम लेंगे। सोचा है कफील अब कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक लेंगे, इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जा में शहादत पी लेंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया मैसूर डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी प्रदीप साहब, वोट ऑफ थैंक्स के वास्ते वार्ड 33 के मेंबर।